अच्छा मजे का सीन बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे हो रहा है कि आधे लोगों ने रोजा रखा हुआ ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम तो भाई सऊदी अरब को फॉलो कर रहे हैं। मौलवी का गला खराब हो गया, जान करवाओ से यार, वो जल्दी करवा दो अभी नहीं हुई। यार नो, क्या हुआ? है। वो देखो फिजा उधर के बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज द बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आज रात पहला रोजा है, ठीक है, सहरी अभी होनी है, कोई 4-5 घंटे के अंदर होगी, नहीं 6 घंटे के अंदर। तो हमने कहा कि आज रात को ना जरा एक आखिरी दफा एंजॉय कर लेते हैं, जहाँ पे हम रात को निकल के मूवी देखने जाएंगे। और बहुत अरसे से, जब से मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैंने और फिजा ने कब देखी थी हमने मूवी लास्ट टाइम साथ? शादी से पहले। इतनी भी गपना, शादी से पहले, जिसमें वो न्यूक्लियर बम था। हाँ, ओपनहाइमर। ओपनहाइमर देखने? नहीं नहीं, उसके बाद नहीं गए थे हम कोई मूवी देखने। देख लो बॉयज एंड गर्ल्स, आपको लगता है मैं बड़े में और फिजा बड़ा है, रंगरलियां बना के मूवियां देखते हैं, कोई टाइम ही नहीं मिलता भाई। वो अपनी पीएचडी में लगी होती, मैं अपनी पीएचडी में लगा होता हूँ, पिम्पिन होस्ट डिग्री। मजाक करो वो। एनीवेज, बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि अभी का प्लान ये है कि हम किंग फू पांडा देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट आ गया है और फिजा ने ना मुझे कुंग फू पांडा पे लगा दिया था। मैं पहले कभी भी नहीं देखी थी, लाइक मुझे बस होता था क्या है यार ये अजीब सी मूवी, लेकिन फिर से मुझे पहला पार्ट दिखा, मैं इतना हंसा, मैंने कहा तो बड़ी फनी मूवी है। फिर हमने अगले दिन ही दूसरा पार्ट, उसने अगले दिन तीसरा पार्ट देख लिया था। तो अब हम वेट कर रहे थे कि इसका चौथा पार्ट कब आएगा, तो अब आ गया फाइनली, ठीक है। तो कुंग फू पांडा जाके देख रहे अभी हम, उसके बाद फिर हम सैरी शेरी करेंगे आज और फिर रोजा रखेंगे। अब थोड़ा सा मैं फियरफुल भी हूँ यार कि पहला रोजा किस तरह गुजरेगा, कल काम भी है और 100 चीजें और करनी है, लेकिन डर के आगे जीत है। अभी तो फिलहाल हमारे पास टाइम है, तो हम जाएंगे जरा मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न पकड़ते हैं। बिफोर वी गो ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड इफ यू हैवंट येट, पिछले वाली मेरे ब्लॉग जाके देखो, अलीशा खानी वाला। जो मोटिवेशन तुम्हें चाहिए ना जिंदगी में, उस ब्लॉग से मिल जाएगी, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। और अगर आपको हो रहा है ना कि तरावियां कौन पढ़ने जाएगा, करने जाएगा, ये अपने इर्द गिर्द दिखाना इधर, ये तुम्हें क्या लग रहा है कौन तरावियां पढ़ा रहा है? मैं कोशिश करूंगा तरावियां वाला काम करने के लिए, बट यू नो, बंदा अगर नमाज ही 5 वक्त की पढ़ ले और रोजे सारे रख ले, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा गोल फिलहाल ये है, बीच में तरावी शराबी वो भी पढ़ लेंगे। तो उससे पहले आपके फतवे शुरू हो जाए, जो कि अब नहीं करते लोग यार, अच्छे बच्चे देखते हैं मुझे, फिर भी यू नो, कोई ना कोई तो होता ही है ना जो खुद नहीं पढ़ता होगा कभी तरावियां सारी, लेकिन मुझे जरूर कहेगा। बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर फाइनली हियर, ठीक है। और कुंग फू पांडा का टाइम लेट होता जा रहा है, हम 6 मिनट ओवरड्यू हो गए हैं। होपफुली अभी ट्रेलर चल रहे हो, और जल्दी से हमने पॉपकॉर्न्स और वो भी पकड़ना है, कोक भी तो पकड़नी है ना, कुछ खाएंगे भी तो सही। चलो आज देखो, रात के टाइम जो सिनेमा जाने का मजा होता है वो बड़े अरसे से नहीं आया। मॉल के अंदर ही है सिनेमा, अर्विंग के अंदर ना, AMC अर्विंग मॉल है। रात के टाइम मॉल कैसा लग रहा होता है, यहाँ पे अंधेरा। पाकिस्तान में मॉलों पे इस टाइम पे इतने रश होता है। ओए हाँ, सही बात है, आराम से 12 बजे तक बंद होते हैं। अब पैकेजेस वगैरह का पता नहीं क्या टाइम होता होगा। ये देखो ना यहाँ पे मॉल देखो, बॉयज एंड गर्ल्स 10 बजे सन्नाटे, रात का टाइम है, सारा बंद है। कंबल क्यों नहीं लेके आया? मुझे उड़ लेना कंबल की तरह। ओह शिट, ओह शिट। कैसे देख, परचेज टिकट्स हो रहा, कुंग फू पांडा 10-10 वाला, $12 की टिकट, चोर बाजारी में चाहिए। और देखा कितनी सीटें खाली हैं, मैं इतने सेंटर में बैठे। कैन वी गेट लाइक 1/4 ऑफ कैरमल पॉपकॉर्न एंड द रेस्ट लाइक नॉर्मल वंस? थैंक यू सो मच माय मैन, हैव अ गुड नाइट। यू टू। जल्दी 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 जल्दी, अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुई बॉयज एंड गर्ल्स, अभी ट्रेलर्स चल रहे हैं। ओए भाई, सीट कौन सी है? G7A। चलो बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि अभी फिर हम ये मूवी शो भी थोड़ी देखते हैं। आई लव लिव्स एंड नो वन विल स्टैंड इन हिज वे, नॉट इवन द ग्रेट ड्रैगन वॉरियर। Later. हमने देख ली थी यार, बहुत ही मजे की मूवी थी, बड़े से बाद अच्छी मूवी देखी है। तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी। इससे तो मुझे लगाया कुंग फू पांडा में, लेकिन आई थिंक ये फोर्थ पार्ट सबसे मजे का था, बहुत फनी था, इतना हंसा होना मैं, बड़ी फनी थी, बड़ा एक्शन था उसके अंदर, जरूर देखना, सिनेमा में आई हुई आजकल। 15 मिनट रह गए सैरी खत्म होने में, अम्मा लगे इतने अच्छे टाइम पे सो भी गए थे। खैर फिजा को मैंने समझा, सोचा कि अलार्म लगाया होगा उसने, AM की जगह PM लगाया था, अभी बता रही है। अभी खैर मैंने आई हैड अ लिटिल योगर्ट, ठीक है, और ये प्रोटीन शेक थोड़ा सा। फिजा पैनकेक्स बना रही है, मेरे प्रोटीन पैनकेक्स, सो आई थिंक दैट्स सब्सटेंशियल। वैसे कुछ लोग तो खाते ही कुछ नहीं है। ओए होए, ये कौन सा फ्लेवर है? बहुत ही गंदा है तो प्रोटीन शेक, लेकिन कोई मसला नहीं। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ना रमजान का बॉयज एंड गर्ल्स होता है कि कैफीन, चाय कॉफी है ना, वो रुक जाती है भाई की, बाकी सब खैर है, लेकिन इंशाल्लाह वी विल पावर थ्रू इट। अल्लाह के लिए इतना भी नहीं कर सकते, यू नो। थैंक यू। प्रोटीन
पैनकेक्स जो है वो फिजा ने मुझे ला के दी है, प्रोटीन पैनकेक्स जो कि इसका 400 कैलोरीज है और साथ सिरप होगा 50-60 उसमें होगी, ये होगा 100 कैलोरीज पे योगर्ट खाया मैंने, 700-750 कैलोरी का टोटल ब्रेकफास्ट। ये प्रोटीन पैनकेक्स खाते हैं ठीक है, और फिर चाय शाय पियेंगे, उसके बाद मैंने आपसे एक बात भी करनी है इम्पोर्टेंट। सहरी खत्म हुई है, नीयत मांग ली है फाइनली। यार बड़ा डर लगता है। हाँ कौन सा मैं भूलता नहीं हूँ चीजें, लेकिन वो मुझे मेरे दिमाग में ना ज्यादा चला है व्लॉग बनाना है। एक सेकंड में मास्क पढ़ के आता हूँ। सीन ये कि जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि अली शेखानी से मिलने गया था लास्ट व्लॉग में, तो उनकी जो शमीम शेखानी फाउंडेशन है ह्यूस्टन में वो शुरू करे रमजान की ना ड्राइव, मतलब के, और ये नहीं सिर्फ के गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए भी, जो बच्चे जो खाना नहीं बना पाते, स्टूडेंट्स वगैरह और लोग बिजी होते टाइम नहीं होता उनके लिए भी। तो ये मैंने फ्लायर लगा दिए, उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है, टाइमिंग्स भी लिखी है, 6:15 PM ऑनवर्ड्स वो खाना बांटना शुरू होंगे, जब तक लास्ट करेगा ह्यूस्टन में होगा, तो मैं बताना ही भूल गया। तो जो लोग भी ह्यूस्टन वाले कोई अगर देख रहे हैं जरूर स्प्रेड द वर्ड फॉरवर्ड ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वहाँ पे जाए। एनीवेज डैलस में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं नजर आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं तो अभी तक कहना ही भूल गया, रमजान मुबारक सबको और बेस्ट ऑफ लक पहले रोजे के लिए भाई। मैं तो अभी 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 रखे, अभी तो कुछ फील नहीं होगा, अभी जब उठेंगे सो के फिर पता चलेगा, लेकिन कोई नहीं, यू नो विल पावर भाई की बहुत है, टेंशन ही लेनी आप लोगों ने। मच मच लेटर। हां भाई बॉयज एंड गर्ल्स गुड मॉर्निंग, वेल दिस इज द सेम डे ऑनेस्टली, लेकिन आई एम गोइंग टू वर्क। वैसे फिलहाल अभी इतना रोजा लग नहीं रहा, मे बी इट्स बिकॉज द फर्स्ट रोजा, क्योंकि लोग मतलब मैंने नोटिस किया अपनी लाइफ में भी, लोग भी कहते हैं कि पहला रोजा इतना नहीं लगता, दूसरा तीसरा शुरू होता है। पहले ना मैं थोड़ा सा डरता था रमजान में ना रोजे रखने से, मतलब अप टिल दिस पॉइंट मैंने नोटिस किया, जब आप डर रहे होते हो ना रोजे रखने से कि मैं खाना पानी मेरा छूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब बंदा ना रोजा रख रहा होता है जस्ट बिकॉज उसने होता है कि यार इस्लाम है मैंने रोजे रखने हैं वगैरह वगैरह। बट जब आपकी ट्रूली विल पावर हो ना, जब उससे होता है कि यार चाहे जो मर्जी जिंदगी में हो जाए मैंने रखना ही रखना है, और जो भी इसमें मसला होगा, मुझे प्यास लगेगी भूख लगेगी बाहर में जाए, मैं अल्लाह के लिए रोजा रख रहा हूँ, आई डोंट केयर, जितना मर्जी मैं मर रहा हूँ, आई विल पुश माय बॉडी टू द लिमिट। तब ये चीज बड़ी आसान हो जाती है, मुझे पता नहीं कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा भी मुश्किल हो रहा है, बट आई थिंक समहाउ दिस टाइम आई फील एट मच पीस। हाँ ऑफ कोर्स रूटीन ऊपर नीचे हो जाएगी, फॉर एग्जांपल जिम की रूटीन, अब मैं आज ट्राई करूंगा पूरा कि मैं जाऊं जिम, इंशाल्लाह जाऊंगा। ऑल्सो जिम की बात अगर हम लेके चलें, ये भी इसमें एक मसला आ जाता है कि लोग कहते हैं गेंस रमजान में अपने कैसे मेंटेन करें, रमजान में बॉडी कैसे मेंटेन करें, ये वो करें। बच्चों बात ये कि रमजान जो है ना इट्स नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग ठीक है। हाँ रमजान में आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, लेकिन अगर आप रोजे सही तरह रखो तो वेट लॉस तो इनेविटेबल है ही है। मेरा तरीका ये है कि यार बस प्रोटीन की थोड़ी हैवी इनटेक रखो मॉर्निंग के अंदर, इस तरह मैंने आपको दिखाई है, अफतारी भी दिखा देंगे आपको मैं किस तरह करूंगा, खजूर और पानी के साथ सिर्फ खोलूंगा रोजा और 20-25 मिनट बाद मैं मेन मील खाऊंगा, कोर्स जो है वो भी इतना हैवी नहीं, और फिर सीधा जाके खाना है सहरी में, तो दो टाइम का खाना कर लेंगे, बीच में कोई स्नैकिंग वगैरह हो गई तो हो गई, वर्कआउट ज्यादा नहीं करना, बस 30-40 मिनट से ज्यादा नहीं, और मे बी एवरी अदर डे इफ नॉट एवरी डे वर्कआउट मैं करूंगा, क्योंकि मेन मकसद रमजान है, मेन मकसद जिम नहीं है। रमजान के अंदर जिम और बॉडी बिल्डिंग मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है आप सैक्रिफाइस दे रहे हो अल्लाह को, मतलब अल्लाह के लिए आप सैक्रिफाइस दे रहे हो ठीक है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर आप लोगों के पास लाइफ में अभी कुछ चल नहीं रहा, कुछ करने को है नहीं, तो जिम ट्राई करना, रोज जाओ, सीधा काम पे जाते हैं, काम पे थोड़ा आपसे मिलेंगे, काम पे सारे कॉफी शॉफी पी रहे होंगे, अभी लंच टाइम भी होगा तो खा रहे होंगे, खैर आई डोंट केयर, इट डजंट बॉदर मी, बच्चे थोड़ी हैं। काम पे बिल्कुल भी रश नहीं है, कितने पार्किंग स्पॉट्स खाली हैं, जो मेरे व्लॉग्स डेली देख रहे हैं आजकल, पीछे मैंने लगाया था कि हर वक्त ये फुल होता है, एक जगह नहीं होती, लेकिन आज ऐसे लग रहा है जैसे पार्किंग का बफे लगा हुआ है, कहीं भी लगा लूं मैं। वैसे आई डिडंट एक्सपेक्ट कि रमजान में इतना कम रश हो जाएगा, आई मीन इंडियंस होते हैं यहाँ पे ज्यादा मेरी जॉब पे, एशियंस होते हैं और गोरे होते हैं, मुसलमान तो उतने नहीं होते, लेकिन आई मीन पता नहीं चलता बंदे को। वैसे भी मंडे को कम लोग आते हैं, और मजे की बात है अभी मैंने कहा था ना मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है, आई एम फाइन, मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे पेट में अभी इतनी दर्द हो रही है ना भूख वाली, मुझे लगती नहीं है भूख वैसे, लेकिन अब दिमाग में सोच रहा हूँ ना तो लगी जा रही है। खैर कोई नहीं, विल पावर बर्दाश्त करेंगे, कुछ नहीं होता, छोटी मोटी चीज है। That's my table. Happy birthday, man. Thank you so much. Happy birthday, dude. I can't thank you enough. Yeah, raise Yeah. It's a princess cupcake. Are you recording us? I'm being born again. Also, you put it in the vlog. We got it. Belusa says love is... Can I have that video? Smile. Hug each other. Kiss each other. Okay, say it. Give a speech. So, it's my friend's birthday today, but the problem is that now these are my cupcakes because they were on my desk. So Steve, sorry, but you know, this year I'm being reborn. You're welcome, man. Yeah. It's all yours. It's my gift to you on my birthday.
You should be an actor. Huh? Actually, I can't eat them. I'm fasting, sadly. So. Oh, yeah, it how starts today. I know, dude. Hey, man. Blow on these. Thank you, sir. I don't want to. Later. Boys and girls scene ये है कि काम से फारिग हो गया था, फिर अभी मेरे साथ फिजा मैजिकली आ गई है, और अब सीन ये है कि हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने. किसकी? रमजान. हाँ, रमजान की. किसकी? इतना भूख लग रही है, लफ्ज ही भूल गए आगे वाले. और हमने लेने हैं असल में चिकन. हाँ, ये सही कर रहा हूँ. सही हो गया? नहीं, हद हो गई यार. चलो कोई नहीं, रोजे में सब जायज है. एनीवेज, तो अभी हमने चिकन लेना है. फिजा बोलो आगे क्या लेना है. काफी चीजें लेनी है. और आगे क्या लेना है? समोसे लेने हैं. आपको दिखाएंगे भी फिजा ने. चल नहीं, तू आ जा, तेरे प्यो दी सड़क. अजीब पागल है, काली बिल्डर की है. Motherfucker, move out of the way. Oh shit, उसे ही ना टूट दे मेरा. Anyways, आज मतलब आपको दिखाएंगे मैं क्या खा रहा हूँ, ताकि आपको you know पता चले कि मैं अपनी अफ्तारी किस तरह खोल रहा हूँ. To stay healthy and fit, inshallah. Boys and girls, we are here at the Indo Park World Market. यहाँ पे हमारी शादी हुई थी, मैं हर दफा याद कराता हूँ. वहाँ से हमने एंट्रेंस की थी. हाँ ये रखो जरा. अच्छा, मजे का सीन बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे हो रहा है कि आधे लोगों ने रोजा रखा हुआ ही नहीं है. वो कह रहे हैं कि हम तो भाई सऊदी अरब को फॉलो कर रहे हैं. जैसा सऊदी अरब को फॉलो करते हैं ना, कि रमजान बोलते हैं, रमदान बोलते हैं. तो आधे लोगों ने ना, मैं काम पे गया था ना, रोजा रखा हुआ ही नहीं था. फिर ईद हमारे साथ ही खोलेंगे. इस जिंदगी में तो नहीं हो सकता. नहीं, मैं फ्रूट चाट नहीं खाता. दही बल्ले भी नहीं खाने. क्यों भाई? अभी मैं डाइटिंग की बात कर रहा हूँ, तुम दही बल्ले ले बीच में. ये क्यों पकड़ लिया? मैं अपने लिए एक रस्क. ये मिल गए जुड़े हुए. बड़े तेज एंडो पार्क वाले हैं. अभी यूजुअली दर्दे डिस्को लगा था, लेकिन अभी उन्होंने बोलेंगे भिंडियाँ ले रहे हैं हम थोड़ी. इसमें भिंडी चिकन बनाया था फिर जाने. बड़ा मजा एक दफा ना. स्पीड ऑफ लाइट से ऐसे मैं एक एक क्यों पकड़ रहा हूँ, यूँ क्यों कर रहा. उस वक्त दिमाग चल नहीं रहा, मैंने चाय नहीं पी. हम दोनों का तो हो ही जाएगा. मैं तो सोडा. तुम्हें पता तो है मैं तो चार लोगों को खाना खाता हूँ. हाँ. कितने की दे रहे हैं? 940. सही है. हाँ, एक ये पकड़ लो. 899 भी है. नहीं नहीं, बड़ी वाली ले लेना. मुर्गी सारे कट के डाले में आसान होता है, कढ़ाइयों शढ़ाइयों के लिए. ठीक है, लेग तीन ही है सिर्फ. तो दो आपके एक मेरा. दो में मेरा काम थोड़ी बनेगा. कॉल ले लो. पता नहीं मैं कितना खाता हूँ. खाता है, ऐसा नहीं है. चल ले लो, दोनों ले लो. बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ बच्चे कहते हैं ना, आई एम अ रियल निब्बा. तो अगर आपने बनना है ना, तो सीधा मतलब एक हैक है मेरे पास. ये देखो जरा, ये जब आप खाओगे ना, तो मैं कहता हूँ डेफिनेटली यू विल बी अ रियल. बड़ा वाला लो, वाला ले लो. यार इतनी जल्दी पाउडर खत्म कैसे हो जाता है? इतनी चाय क्यों पीती हो तुम? बॉयज एंड गर्ल्स, हमने शॉपिंग कर ली है, पीछे काफी सारा सामान लिया है. टोटल हमारा बिल बना है लाइक $112. प्राइस इसलिए बता रहा हूँ इफ यू आर वंडरिंग कि अमेरिका में रमजान की कितने की शॉपिंग पड़ जाती है. लेकिन यूजुअली फॉर अ वीक, मतलब एक वीक की आप 100 लाइक 120 में आपका काम हो जाता है. ये भी हमने कोई बजट में नहीं की शॉपिंग, लाइक हमने काफी चीजें इस तरह की बड़ी बड़ी खुली खुली ली है. तो हम कर लेते हैं ना, लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तब लोग थोड़ी बजट पे चल रहे होते हैं. थोड़ा सा चिकन, थोड़ी सी दाल, उसको बड़ा एक्सटेंड करके बना लेते हैं. वली भाई जो थे वो फिर थे इस मामले में ना, वो $50 में भाई अपना हफ्ता चला लेता था पूरा. हमने बस रूह अफजानी लिया, खजूरे नहीं ली जो हमारे पास ऑलरेडी है, बाकी तो सब कुछ हमने लिया. पर मेरे घर जाके अगर एनर्जी रही तो मैं जिम चला जाऊंगा, वरना तो इफ्तारी पे ही आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. तीन से चार मिनट रह गए हमारी इफ्तारी में. अभी हमारे पास है मिंट मार्गरिटा जो फिजा ने लाई है, स्ट्रॉबेरी, समोसे, खजूरे, टेई पल्ले. लेकिन असल स्पिरिचुअल खाना वो फिजा भी दूर बता रही है. वाह जी वाह, ये तो हम उसके सामने मार्गरिटा डाल लेंगे. ओए 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 यार, ये कब जाएगी नीचे? जा, इतनी देर में रोजा खुल जाएगा. खुलने वाला बस. मौलवी का गला खराब हो गया, जान करवाओ उससे यार. ओए जल्दी करवा दो. अभी नहीं हुई यार. नो, क्या हुआ? एक मिनट है. वो देखो फिजा उधर के. मैंने देख ली. यार हो गया. हो गया, शुक्र है. चलो पहले. और यार प्यास लग रही है. ये क्या? मैं बादाम डालूंगा. What? सीड है ना, वो क्रंची होगी. मैंने कहा ये कैसे हो गया, इसने बादाम डाला अंदर. वैसे खजूर खाने में बड़ा मजा आता है. मिंट मार्गरिटा तो बड़ा मजे का. चिकन समोसा ये बड़ा रो रो के फिजा ने लिया. मजे क्या, मजे क्या चिकन वाला है तो. पुराना मुझे कैंटीन का समोसा याद आ गया. चलो अब दही बल्ले भी ट्राई कर लेते हैं. आई लव दही बल्ले, लेकिन बड़ा मोटापे वाली चीज है. ये तुमने कैसे बनाया? नीचे ये तो बाजार वाले लग रहे हैं. इतने अच्छे दही बल्ले. बाकी
ऑल दिस टाइम मेरी जिंदगी में बीवी की कमी थी. सही लड़की. ओ सॉरी, सही लड़की फिजा की कमी थी. ये भी तुमने बनाया? अच्छा ये बनाइए फिजा ने कढ़ाई. मैं कहता हूँ बहुत ही मजे की लग रही है. वो कॉलीफ्लावर राइस मेरे रेडी है, लेकिन सीन ये है कि अभी फिलहाल मेरी भूख थोड़ी सबसाइड हो गई है, तो हम जिम की तैयारी पकड़ते हैं. ठीक है, जिम मैं ज्यादा नहीं करूंगा, आधा घंटा 35 मिनट से ज्यादा नहीं. तो ये थोड़ा सा क्रिएटिन पी रहा हूँ और एनर्जी ड्रिंक. ठीक है, मैंने सोचा था रोजे से पहले जाऊंगा, लेकिन इतनी नींद आ रही थी उठने का दिल ही नहीं किया. तो फिर आके जल्दी से जिम करते हैं, फिर आपको एक टेस्ट टेस्ट भी करेंगे. फाइनली टाइम आ गया है कढ़ाई खाने का. चेक करो कितनी ग्लिसनिंग और जूसी जूसी है. ठीक है, तो ये चिकन कढ़ाई है. फिजा काफी कम ऑयल में बनाती है ना, ऑलिव ऑयल यूज करती है. तो ये नीचे कॉलीफ्लावर राइस है, गोपी के जो राइस होते हैं बेसिकली. बिस्मिल्लाह. सॉरी, आरएचएस की तरह. ओए होए होए, बहुत मजे का यार. ये सब चेक कर सकते हैं, स्टीम निकल रही है बोटी में से. क्या क्या डाला तुमने इसके अंदर? ओह सीक्रेट है. बट एनीवेज बहुत अच्छे है, मसालों का ब्लेंड अंदर, टमाटर परफेक्टली डले हुए, कुक टू परफेक्शन. और अगर आपका रोजा इस वक्त आप देख रहे हैं तो ये देखो जरा कितना गुनाह कमा लिया ने. अल्लाह माफी दे दे यार. मैं तो आपको लग रहा है तो रोजे के बाद बंद करके देख लेना से. वैसे एक बात बताऊं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखना करना सीखो बॉयज एंड गर्ल्स. देखो ये मैं चाहता मैं फॉरन फाड़ सकता था, लेकिन ना मेरा जिम होता, मैं फॉरन ग्रॉगी हो जाता और पेट फुल हो जाता. तो लिटरली रोजा खोलने कितनी देर बाद, दो ये बाहर जाने का बार बार तंग करती है, तो मैं इसको ये करना पड़ता है. एनीवेज, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है. ये मैं रोजे के लिटरली कोई 1.5 घंटे बाद खाना खा रहा हूँ, अब ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है, मैं ज्यादा भी खा सकता हूँ अपनी लिमिट के हिसाब से. एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं. कल वाले ब्लॉग में आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड ऑल्सो आप भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी हम रील्स लगा रहे हैं और इंशाल्लाह लाइव भी आऊंगा मैं सून. तो विल सी यू देन. बाय बाय.